गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो है हमारे वीडियो का सेकंड लेक्चर है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 3 शुरू किया था, रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो रेशियो क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। और जिन जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, वो लोग जो है प्लेलिस्ट से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि आप लोग जो है कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए बुआ, यहाँ पे जो है हम लोग जो रेशियो और उसके एप्लीकेशन के बारे में जाने थे, अभी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो जानेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होते हैं, तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। द रेशियो ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ, मतलब टू ऑफ द रेशियो ऑफ टू और मोर क्वांटिटी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि रेशियो जो है दो और दो से अधिक क्वांटिटी जब होंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे यहाँ पे कहलाएंगे। इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो HCF होता है, ऑफ द क्वांटिटीज इज वन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन। तो डिफिनेशन जैसा कि आप लोगों ने देखा, कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो हमारा तभी कहलाएगा जब हाईएस्ट फॉर्म जो हमारा HCF होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ये हाईएस्ट फैक्टर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो वन कैसे होगा, हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस 35:25। ठीक है, इसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे होंगे, बहुत आसान है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने देखा था, आप लोगों को याद होगा, ए रेशियो बी जब होता है तो इसी चीज़ को हम लोग ए बाई बी भी लिख सकते हैं, ये हमने कल जाना था, ये आप लोगों को पता होगा। तो वैसे ही यहाँ 35 है हमारा, 35 है हमारा यहाँ पे, 35:25 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/25। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो हमारा वन होना चाहिए। इसको आप एज्यूम कीजिए, क्या चीज़ से हम कटा दें कि हमारा जो नंबर्स आएंगे उनका HCF वन के सिवा दूसरा कोई नहीं हो। तो देखिए अगर हम 5 से कटाते हैं तो 5 से ये 7 बार में जाएगा और 5 से ये 5 बार में जाएगा, यानी कि फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा 7 और 5 जो हमारे नंबर्स होते हैं उन दोनों नंबर्स का HCF वन ही होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इसलिए जो है इसका HCF दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने ए रेशियो बी को ए बाई बी के फॉर्म में लिखा, और फिर ए बाई बी को हम लोग ए रेशियो बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग 7:5 लिख देंगे और ये जो हमारा टर्म आया ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। आप लोग देख सकते हैं 7 और 5 जो है दोनों का हमारा HCF जो है वो वन ही होगा, क्योंकि वन के सिवा ये नंबर जो है दूसरे किसी नंबर से नहीं कटने वाले। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होते हैं उसको बेहतरीन तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो चलिए बुआ, उसके बाद हम लोग जानते हैं सेकेंड जो हमारा टॉपिक है आज का, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, कैसे हम लोग रेशियो का तुलना करेंगे, कैसे हम लोग रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे अपने दोस्तों से कंपैरिजन करते हैं, कैसे बोलते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं, तुम हमसे कमज़ोर हो, वो चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं, ये चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं, ये ख़राब है, वो अच्छी हैं,
हम लोग किसी वस्तुओं किसी थिंग का भी कंपैरिजन करते हैं, अपने दोस्तों से अपना खुद का कंपैरिजन करते हैं, हम लोग धरती आसमान का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब ही हुआ एक दूसरे की तुलना करना। तो कैसे हम लोग तुलना करेंगे वो भी रेशियो का, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है टू और मोर रेशियोज, यानी कि दो और दो से अधिक रेशियो जब होंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे। क्या अकेला किसी की तुलना हो सकती है क्या? जब तक उसके कंपैरिजन हमको किसके साथ करना है हमको पता नहीं हो, फिर हम तुलना कैसे करेंगे? इसीलिए हमारा कह रहा है टू और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड, यानी कि दो और दो से अधिक रेशियोज हैं वो कंपेयर्ड हो सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग द रेशियोज एज फ्रैक्शन और डेसिमल्स। बाय एक्सप्रेसिंग द रेशियो एज फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी कि दो और दो से अधिक रेशियो का हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब उसको या तो हम लोग डेसिमल में बदल दें और नहीं तो फ्रैक्शन में बदल दें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको करके देखते हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और जल्दी जल्दी बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी करते जाइए, ताकि देखिए हम लोग जो है आप लोगों से ही समझते हैं कि आप लोगों को कमेंट लाइक से ही समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कितना बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। तो चलिए बुआ हम लोग जो है एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। वन नंबर, कंपेयर द रेशियोज 4:5 एंड 6:7। यहाँ पे एक रेशियो है, यहाँ पे एक दूसरा रेशियो है, हमको कंपेरिजन करना है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन रेशियो हमारा क्या है, कौन छोटा है या फिर कौन बड़ा है। तो चलिए वो हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ये गिवन लिखते हैं हम लोग गिवन। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा इतना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए कि आप ये सोचिए कि आपसे बेहतरीन उस क्वेश्चन को दूसरा कोई नहीं बना सकता है। मतलब मेरे कहने का बस इतना ही मकसद है कि आप लोग फुल प्रोसेस के साथ बनाइए। ऐसे डायरेक्ट बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, आप लोग ऐसे बनाइए कि देखने वाले को भी काफ़ी एट्रैक्टिव लगे कि किसी बच्चा ने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, गजब इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फुल प्रोसेस के साथ बनाना होगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए गिवन, हमारे पास क्या गिवन क्या है, तो 2 रेशियोज हमारे पास गिवन है। तो लिखोगे यहाँ पे गिवन 2 रेशियोज आर क्या क्या है हमारे पास, 4:5 एंड 6:7। 2 रेशियो हो गए। चलिए बुआ हम क्या करते हैं, फर्स्ट रेशियो जो हमारा 4:5 है, आप लोग जानते हैं जैसा कि हम लोग इसको 4:5 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेशियो बी को हम लोग a/b लिख सकते हैं, वैसे 4:5 को 4:5 भी हम लोग लिख सकते हैं। सिंपली आप लोग इसको हल कीजिए। कैसे हल कीजिएगा, बहुत ही आसान है। हम जानते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा 4 है और इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 में 5 से डिवाइड तो लगेगा नहीं, यहाँ एक जीरो देंगे तो यहाँ भी एक जीरो पॉइंट, और 5 से 40 कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में हमारा पूरा कट जाएगा, तो 0.8 आया। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.8। इट मीन्स कि हम लोग 4:5 को हल किए और यहाँ पे इसको हल करने के बाद हमारा पे 0.8 आया। चलिए वो अब बहुत आसान है। उसके बाद हमारे पास एक और रेशियो है, ध्यान से आप लोग देखिएगा 6:7। तो यहाँ पे हम 6:7 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 6/7 भी लिख सकते हैं। अब 6 में न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रफ हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग 6 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 में तो 7 से डिवाइड लगेगा नहीं, यहाँ एक जीरो लेंगे तो यहाँ एक जीरो। अब 7 के टेबल में 60 आता है क्या, 7 के टेबल में 60 आता है क्या? अगर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो आगे देखिए बुआ, इसके आसपास का नंबर हम लोग देखेंगे तो 0.8 बार में ले लेते हैं, 56 होता है, 4 हमारा आ गया, ये कट गया हमारा। चलिए बुआ डेसिमल है तो एक जीरो तो आ ही सकता है, तो 5 बार में हमारा हो जाएगा 35, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे डेसिमल है तो जीरो तो आ ही सकता है, फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो 7 बार में 49, ऐसे हमारा हल होते जाएगा तो 0.857 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.857। तो आप लोग देख सकते हैं बुआ
ये 0.8 आया पहले वाले रेशियो में और 0.857 आया दूसरे वाले रेशियो में। तो आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 6:7 है, ये 4:5 से क्या है तो बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4:5 जो है इससे हमारा बड़ा है कौन, तो 6:7। और ऐसे थोड़ा सा हम लोग हेडलाइन के लिए इसको ऐसे कर देते हैं और ये फाइनली आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या है हुआ कि हमने एक क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट वाला था उसको बनाया, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी फटाफट ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसको बनाइए, जो हमारा कंपेयर द रेशियोज 10:12 and 15:20 जल्दी से बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और एक चीज़ हम थोड़ा साइड हो जाते हैं बुआ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए। और साथ साथ आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ये जो हमारे लेक्चर हो रहे हैं, हम लोग अपने सिलेबस को आगे मूव कर रहे हैं, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि बस हम लोग देख रहे हैं सही काम चल जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको नोट करके कॉन्सेप्ट को लिखते जाना है। और साथ साथ एक चीज़ और सोच लीजिए बुआ कि आप जब लिखिएगा तो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लासरूम विंग कॉम्पिटिशन विंग, तो उस समय आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जा करके आप सवाल पूछने के काबिल हो पाइएगा। तो इसीलिए इसको लिखना शुरू कर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने रेशियो को देखा और काफ़ी चीज़ें उसमें सीखा, अब हम लोग जानेंगे प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रोपोर्शन जो होता है हमारा इसका हिंदी होता है समानुपात, यानी कि समान अनुपात वाले को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। समानुपात यानी समान अनुपात, यानी कि इक्वलिटी जहाँ पे दर्शाए। तो ये प्रोपोर्शन जो है हमारा, उसके पहले डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं, देन आफ्टर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी कि दो रेशियो के इक्वलिटी यानी कि समानता को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड या फिर प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इफ़ यदि हम लोग ए रेशियो बी बराबर यहाँ पे इक्वल कर दे सी रेशियो डी को, तो ये हमारा बीच में इक्वलिटी दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दैट इज, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ए रेशियो जो हमारे बी हैं इसको हम लोग ए बाई बी लिख सकते हैं यहाँ पे, और बी सी रेशियो डी जो है उसको सी बाई डी लिख सकते हैं। तो देन हमारा यहाँ पे ए बी सी एंड डी जो है वो क्या है, आर सैड टू बी प्रोपोर्शन, यानी कि जो हमारे ए बी सी और डी जो है वो हमारे प्रोपोर्शन कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में इक्वलिटी भी हमारा दर्शा रहा है, यानी कि ये दो रेशियो में समानता दिखला रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये तो रेशियो के फॉर्म को हम लोग ए रेशियो बी को ए बाई बी लिख दिए और फिर बी सी रेशियो डी को सी बाई डी लिख दिए, लेकिन बीच में इक्वलिटी यहाँ भी आपका दर्शा रहा है। तो जैसा कि डिफिनेशन था हमारा इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, तो आप लोग यहाँ पे इक्वलिटी दोनों में यानी कि समानता कैसे दर्शा रहा है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ नोट है जिस नोट को हमको समझना काफ़ी ही जरूर आवश्यक है। फर्स्ट वाला जो है हमारा ए बी सी एंड डी जो है आर रिस्पेक्टिवली नॉन एज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। इट मीन्स कि जो हमारे ए बी सी यहाँ पे सॉरी और डी जो हैं ये सभी हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म कहलाएंगे, उसको बेहतर से बेहतर समझने के लिए हम लोगों ने उसको टर्म के रूप में दे दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारे टर्म कहलाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इंद्रधनुष की तरह क्या बनाए हुए हैं, मतलब कि इंद्रधनुष की तरह क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो है ए बी सी डी जो है हमारा यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना इसमें ये है कि जो फर्स्ट और जो फोर्थ टर्म होते हैं उसे हम एक्सट्रीम कहते हैं, एक्सट्रीम्स।
और सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो होते हैं उसे हम लोग मीन्स कहते हैं, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ को एक्सट्रीम्स और सेकेंड थर्ड को मीन्स कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको हम लोग लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। इट मीन्स कि ये ए और डी का जो प्रोडक्ट करेंगे, जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ देख लीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी ए और डी का जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू डी, तो यहाँ बीच में इक्वल है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स क्या है तो बी और सी, तो बी इंटू सी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए डी जो है बराबर हो जाता है बी सी के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के यहाँ पे इक्वल हो गया। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके और उसको राइट डाउन कर सकते हैं, और हम लोग जो है अपने चैप्टर की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं और उसको बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी स्कूल बंद है, फिर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो है हमारे कुछ ना कुछ नया सीखें, तो आप लोग भी हमारे साथ प्रयास कीजिए और जुड़िए और डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।